नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लेटन टोकन यानी कि क्ले के बारे में, जिसका ट्रेडिंग सिंबल है क्ले। तो दोस्तों, अगर हम इसकी मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये अनलिमिटेड है, जो कि एक ड्रॉबैक है। और अवेलेबल सप्लाई की अगर हम बात करें तो 3.1 बिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके रैंक की बात करें दोस्तों तो ये 74 है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये सीधा 95% डाउन चल रहा है, जो आज से तकरीबन 2 साल पहले बना था। और अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो वहां से ये तकरीबन 250% प्लस चल रहा है दोस्तों, जो कि आज से 3 साल पहले बना था। दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यहां मैं आपको बता दूंगी कि ये एक L1 ब्लॉकचेन है। और इसमें जहां आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये इसके फिगर्स हैं। 5 TPS इसका आ रहा है करंट में, और 24 घंटे में तकरीबन 1 एवरेज ब्लॉक टाइम आ रहा है। 4 एवरेज ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक आ रही है 24 घंटे में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने ये चल रहा है, जो कि तकरीबन 674 मिलियन का बैठता है। और 30 कंसेंसस नोड इस पे काम कर रही है, यानी कि 30 सिस्टम ऐसे हैं जो इसकी ट्रांजेक्शन की वैलिडेशन में लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है क्ले टोकन USDT का 1 डे का चार्ट बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वाली कैंडल में ये बहुत ऊपर की तरफ भागा था और उसके बाद ये नीचे आ गया और वहां से ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा है दोस्तों। तो अभी जो इसकी सिचुएशन बन रही है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम L1 ब्लॉकचेन की बात करें दोस्तों, तो ईथरम सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद L2 में मैटिक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उसके अलावा और बहुत अच्छी L1 ब्लॉकचेन कार्डानो चल रही है। तो अगर आप इन सब में अच्छे से इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको किसी L1 ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा इसमें रिस्क ना लें, उतना एक रिस्क लें जितना का आप इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्ले टोकन आपके लिए। जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।